आज औद्योगीकरण के युग नामक शीर्षक का एक महत्वपूर्ण बिंदु कारखानों का उदय, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। प्रिय भैया बहन, 18वीं शताब्दी में जब वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग तकनीकी में हुआ, तब औद्योगिक क्रांति हुई। इस क्रांति ने उत्पादन की प्रक्रिया बदल दी। कुटीर उद्योगों का स्थान कल कारखानों एवं मशीनों ने ले लिया। अर्थव्यवस्था और आजीविका पर इसका व्यापक असर पड़ा। इस क्रांति ने समाज एवं राजनीति को भी प्रभावित किया। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध से इंग्लैंड में तकनीकी विकास और आविष्कारों की श्रृंखला बनी, जिसने उत्पादन के सभी साधनों में आमूल परिवर्तन ला दिया। मानव चालित औजारों का स्थान जल शक्ति अथवा वाष्प शक्ति चालित संयंत्रों ने ले लिया। इसी प्रकार घरेलू उद्योगों का स्थान कारखानों ने ले लिया। कारखानों में पूंजी निवेश हुआ तथा बड़ी संख्या में श्रमिक बहाल किए गए। फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ। इसके परिणाम स्वरूप उत्पादन कारखानों में होने लगा। घरेलू उत्पादन पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ने ले लिया। हम लोगों ने देखा है कि इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी के आखिर में हुआ। मशीनों के उपयोग के पूर्व सूत कातने और वस्त्र बुनने के लिए हथकरघा का व्यवहार किया जाता था। 1733 में लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन के ने फ्लाइंग शटल नामक मशीन बनाई। इससे बुनाई की रफ्तार बढ़ी तथा सूत की मांग बढ़ गई। 1765 में ब्लैकबर्न के जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी बनाई। इस मशीन से सूत की कताई 8 गुना अधिक बढ़ गई। 1769 में ब्रेस्टन निवासी रिचर्ड आर्कराइट ने सूत कातने की एक नई मशीन बनाई। इसे वाटर फ्रेम या स्पिनिंग फ्रेम कहा जाता था। इस मशीन को आरंभ में जल शक्ति से तथा बाद में वाष्प शक्ति से चलाया गया। इस मशीन के बन जाने के बाद हाथ से सूत कातने का काम बंद हो गया। हम लोगों ने देखा है कि कैसे इंग्लैंड में मशीनों का नया नया आविष्कार हुआ। इस आविष्कार के कारण अब महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथों में आ गई थी। इसके चलते उत्पादन प्रक्रिया पर निगरानी करना, गुणवत्ता का ध्यान रखना और मजदूरों पर नज़र रखना संभव हो गया। जब तक उत्पादन गांव में हो रहा था, तब तक ये सारे काम संभव नहीं थे। तो इस प्रकार इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर कारखानों का उदय हुआ। इन कारखानों के उदय के पीछे नई तकनीक और नए आविष्कारों का योगदान था। आप लोगों के लिए कुछ जो हिंट्स है मैंने लिख दिया है।
प्रश्न के उत्तर देने के क्रम में इससे आप लोगों को सहायता मिलेगी। तो आज के अध्यापन के क्रम में बस इतना ही आप लोगों के लिए एक होमवर्क रहेगा। होमवर्क है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि मशीनों के आविष्कार ने कारखानों को जन्म दिया? अपने पक्ष में तर्क दीजिए। प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि मशीनों के आविष्कार ने कारखानों को जन्म दिया? अपने पक्ष में तर्क दीजिए। धन्यवाद।